हाय, कैसे हैं आप लोग? मजे में ना? तो चलिए मुझे इस चैप्टर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट टॉपिक को देखते हैं। आप लोग भी मुस्कुरा रहे हैं, इस चैप्टर एंड कर रहा है। चवनिया मुस्की मार रहे हैं आप लोग, हम भी मार दे रहे हैं। तो चलिए, क्या पढ़ना है आज? जी हाँ, कोरोजन। कोरोजन का मतलब वही जो आप समझते हैं, जंग लग जाता है। जब कोई पुरानी चीज हो जाती है, उसको कोई छूछा नहीं करता, उसमें जंग लग जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं जंग लग गया है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आप दिन भर खाते हैं, पीते सोते रहते हैं, तो क्या आदमी जंग लग जाता है? तो वो जंग नहीं है बुजुर्ग, ये क्या है? कोरोजन। कोरोजन का मतलब है सर, यदि किसी मेटल को व्हेनेवर ए मेटल एक्सपोज इन एयर, एयर में क्या रहता है, मॉइस्चर होना चाहिए और उसमें डिजॉल्व गैसेस होगा, देन इस सरफेस गेट इटन अप, यानी इसका सरफेस खा जाता है। कौन खा जाता है? गैस, एयर सब खा जाता है, यानी कोरोजन, कोरोडेड हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड ऑन इट्स सरफेस, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। और यदि यह कोरोजन आयरन के केस में होता है तो हम इसको रस्टिंग कहते हैं, ठीक है सर? तो रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन का जो एग्जाम्पल है उसमें कहाँ देख सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक कोरोजन है। सिल्वर का सरफेस जो है वो खराब हो जाएगा, टर्नाइजिंग ऑफ सरफेस ऑफ सिल्वर। फिर आप देखिएगा एक ग्रीन कलर का एक लेयर बन जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ओवर द कॉपर एज वेल एज ब्रॉन्ज, इस सब में। तो दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। तो चलिए कोरोजन का थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देते हैं, एंड देन हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द फैक्टर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कोरोजन, एंड देन हम लोग को जो सिलेबस इसमें पढ़ना है रस्टिंग ऑफ आयरन, उसको डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस कर रहे हैं सर ये कोरोजन एंड रस्टिंग? बिकॉज द रस्टिंग है या कोरोजन है, कोरोजन का जो पहला हमारा है कौन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हमारे सिलेबस में उसी को डिस्कस करना है। व्हाई वी स्टडी इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? बिकॉज द रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन, बिकॉज दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, यानी दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन, अकर्स बाय इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो चलिए क्या लिखते हैं सर, व्हेन मेटल एक्सपोज्ड इन एयर कंटेनिंग मॉइस्चर एंड डिजॉल्व गैसेस क्या होगा, CO2, SO2, etc. देन मेटल सरफेस गेट इटन अप, खा जाता है। कौन खा जाता है? एयर खा जाता है, यानी कोरोडेड इतना मतलब कोरोडेड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड, जी हाँ, जो आप लिखे हैं कोरोजन। एग्जाम्पल देखिए सर, यही रस्टिंग ऑफ आयरन सिल्वर कुछ क्या रहता है, जो चमकता रहता है, साफ कर दीजिए कुछ, देखिए एयर के प्रभाव में क्या होता है, उसका चमक टैमिस्ट हो जाता है, वही सिल्वर डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज तो एलॉय है, फैक्चुअली कॉपर, तो दिस इज ऑल एग्जांपल ऑफ क्या है। तो देखिए फैक्टर इफेक्टिव पर हम लोग डिस्कस कर दें, फैक्टर इफेक्टिव कोरोजन, कोरोजन के लिए कौन कौन फैक्टर है जो इसको इन्फ्लुएंस करता है, व्हाट इज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कोरोजन। तो सबसे सवाल ये है कि वह मेटल कहता है मोर रिएक्टिव मेटल्स कहता है जो जितना ही जो कोरोजन है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मतलब जो मेटल्स जितना रिएक्टिव होगा वो उतना ही कोरोजन होगा, उसमें उतना ही कोरोजन होगा। सिंपल सा बात है, देखिएगा कोरोजन में क्या होगा सर, जो मेटल होगा वो एनोड की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो सबसे ज़्यादा सवाल जो सबसे तेज होता है सर, हर काम में तेज, पढ़ने में तेज, नहीं बोलने में तेज, गड़बड़ाने का भी चांस उसका सबसे ज़्यादा उसी पर रहता है। वही बात यहाँ लिखे, द मेटल विच इज मोर रिएक्टिव हैव मोर चांस टू कोरोजन। या दूसरा कहता है कि मॉइस्चर एंड डिजॉल्व गैसेस इन एयर, एयर में जो मॉइस्चर रहना चाहिए और ड्राई, देखिएगा यदि बिल्कुल ड्राई एयर के में कोरोजन नहीं होगा, निश्चित रूप से आप देखिएगा कब लगता है, आप बरसात के समय में आप देखेंगे यदि आप बाइक में आप देखते हैं या फिर आप देखते हैं सर उसमें पानी का असर रहता है, एयर का प्रभाव होता है तो उसमें जल होता है, तो एयर में मॉइस्चर होना चाहिए, डिजॉल्व गैसेस होगा और गैस कौन सी CO2 होती है उससे उससे होता है सर। तीसरा कहता है कि इम्प्योरिटीज ऑफ मेटल्स, यानी जितना ही इम्प्योरिटी ज़्यादा होगा सर, जितना मेटल्स में इम्प्योरिटीज होगा वो उतना ही ज़्यादा कोरोजन उसमें होगा। ये देखा गया है कि प्योर मेटल्स लेस कोरोडेड इन कंपेरिजन टू द इम्प्योर मेटल, यानी किसी मेटल में यदि किसी दूसरे टाइप का इम्प्योरिटी है तो विच हैव मोर प्रॉबिलिटी टू गेट कोरोडेड देन प्योर मेटल्स, तो ये भी एक फैक्टर है। और चौथा है सर कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है सर यदि मेटल्स को आप सेलाइन वाटर में रख दीजिए, सेलाइन वाटर मतलब समुद्र के पानी में रख दीजिए, तो उसमें क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड जो भी है, तो विच एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, चार्ज कैरियर की तरह काम करता है, तो निश्चित रूप से इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में जो कोरोजन होगा वो प्योर के तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होगा। यानी प्योर वाटर के रिस्पेक्ट में यदि आप आयरन को सेलाइन वाटर में रखेंगे तो उसमें कोरोजन ज़्यादा होगा। व्हाई? बिकॉज हेयर सेलाइन वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व सॉल्ट एंड विच एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, तो ये मेरा हो गया सर। तो इसको कॉपी कर लेते कीजिए। चलिए सर, ये आपको नजर नहीं आ रहा है, हम इसको लिख रहे इम्प्योरिटी इन मेटल्स, इम्प्योरिटी इन मेटल में इम्प्योरिटी। चौथा हम लिखे हैं प्रेजेंस ऑफ, जो अभी आप समझा रहे थे, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट यानी जो कोरोजन इन सलाइन वाटर मोर देन प्योर वाटर। और पांचवा स्टेन इन मेटल, स्टेन इन मेटल का मतलब है मेटल्स में कहाँ होता है जमीन, जहाँ बेंड हो जाता है मुड़ जाएगा, स्क्रेचेस जहाँ होगा, अनइवन सरफेस होगा, वेयर द वाटर ड्रॉपलेट्स गेट स्टिक, और वो देखिएगा कि एनोड की तरह काम, कैथोड की तरह काम करेगा, देन प्रोसेस बोर्न। तो एकदम चिकना सरफेस जहाँ स्टेन में स्क्रेचेस नहीं होगा, घुमा नहीं होगा, उस जगह पर कोरोजन कम होता है, जहाँ स्टीम है, स्क्रेचेज है, विंड है, घुमाव है मेटल्स का, वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स क्या कर सकता है, रुक सकता है और उस जगह कोरोजन का चांस। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन कौन सा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, मॉइस्चर एंड डिजॉल्व गैसेस इज एयर, इम्प्योरिटीज एंड स्ट्रेन एंड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो दिस इज द। तो चलिए हम लोग देखेंगे हमारे सिलेबस में रस्टिंग, यानी जो इसमें है वो पढ़ना है हमको कोरोजन में, यानी ये सब जो एग्जाम्पल है इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है सर। तो चलिए इसको थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए, देन हम लोग कोरोजन पर। तो देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन यानी आयरन में कोरोजन, तो क्या है हुजूर, देखिए ये मेरा आयरन का मेटल है, ये मेरा क्या है सर, अनइवन सरफेस है, खुरदरा,
देखिए ये स्क्रैच प्लेस, इस पर मेरा पानी महाराज यानी जल जल मैया जल माता आकर के मिल गए। कहाँ से ये जल आया? देखिए वाटर आकर के यहाँ क्या हो गया? तो ये स्टार्ट क्या होता है कि ये जो मेरा आयरन का रड है आपका सर एमिटर है, ये सबसे पहला क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज होकर के Fe2+ में आता है। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन ये एक मूव टू द मेटल्स, मूव थ्रू द मेटल इन अनदर स्पॉट ऑफ द मेटल। यहाँ से ये दिस इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर के गो टू द अनदर स्पॉट ऑफ द मेटल्स। यहाँ क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन देखिएगा ये 4H+ 4H+ कहाँ से आएगा, क्योंकि इसमें H2O कंटेनिंग वाटर जो है कंटेनिंग CO2 मिलकर के कार्बोनिक एसिड बनाता है। और यहाँ ये यहाँ होता क्या है कि अच्छा और वो H+ का सोर्स होता है और ये 4 इलेक्ट्रॉन इससे मिलकर के ये 2H2O बनता है। ठीक है सर, तो दिस प्लेस इज एक्ट एज आपका एनोड की तरह काम करता है सर, एनोड की तरह काम करता है। और दिस प्लेस ये दिस स्पॉट ऑफ द मेटल्स एक्ट एज कैथोड, ये आपका कैथोड की तरह काम करता है। ठीक है, तो होल दिस प्रोसेस ये जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लो, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, ये रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल केमिकल फेनोमेनन है, इलेक्ट्रोकेमिकल जिसमें ये आयरन मेटल्स यानी मेटल्स आयरन एक्ट्स एज एनोड, ये एनोड की तरह काम करता है। इट रिलीज या ऐसे बोलिए रिलीज इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड बाय इट मूव through the metal, move through the metal at another spot where it मतलब इलेक्ट्रॉन, where इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो करता क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला है क्या किया, ये reduces H+ reduces O2, O2 को क्या कर देता है, O2 कहाँ है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स उस पर जो स्टिक है जो रुका हुआ है उसमें डिजॉल्व O2 को रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस इन ए प्रेजेंस ऑफ H+, है ना। एक एक्ट एज ये जो स्पॉट है ये एक्ट एज ए कैथोड की तरह काम करता है। साथ साथ इसमें होता क्या है सर कि H2O CO2 डिजॉल्विंग इन H2O फॉर्मिंग H2CO3, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, मतलब ये कार्बोनिक एसिड जो इसमें होता है ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। दिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ H+ आयन, ये आपका H+ आयन का और यही H+ आयन को क्या किया था, ये क्या किया था इलेक्ट्रॉन यूज किया था ऑक्सीजन को क्या करने में, रिड्यूस करके किसमें बना दिया, H2O। ठीक है सर, यानी क्यों रिड्यूस कर दिया, तो निश्चित रूप से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ क्या माइनस हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया ऑक्सीजन का, तो रिड्यूस हो गया, यहाँ आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं ये किसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड की तरह काम कर रहा है सर, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। ठीक है सर, तो चलिए ये तो आप यहाँ किसके तरह कौन क्या काम कर रहे हैं, आयरन एक्ट एज एनोड जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, कोई एनोड कैथोड ऐसे नहीं है, बस इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन जो अपने आप पे तरह है काम, सरफेस में इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, रिलीज इलेक्ट्रॉन हैव एबिलिटी टू रिड्यूस
ऑक्सीजन कहाँ से आया, डिजॉल्व इन कहाँ है, ये सब रहता है सर, किस में रहता है, वाटर में, क्या CO2 रहता है, O2 रहता है, डिजॉल्व रहता है, देयरफॉर दिस इलेक्ट्रॉन रिड्यूस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ H+ इनटू H2O, ठीक है, एंड देयरफॉर दिस स्पॉट फॉर्म क्या चीज, दिस स्पॉट एक्ट एज कैथोड। और अब क्या होगा, तो रस्ट कहाँ से बनता है, रस्ट यहीं पर कुछ बनेगा सर, ये जो बना इसी सब के कारण बनेगा, कहाँ से बनेगा, तो चलिए देखते हैं, इसको मिटा दिए, इसको मिटा दीजिए, और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट की तरह कौन, जो कार्बोनिक एसिड बनता है कहाँ से बनता है, वो भी आप देख लीजिए कहाँ से बनता है, CO2 जो प्रेजेंट होता है वाटर ड्रॉप्स में कंबाइन टू फॉर्म ए कार्बोनिक एसिड, एंड दिस इज द इनिशियल सोर्स ऑफ H+ आयन। चलिए तो देखिए सर, एट जो रिएक्शन होता है एट एनोड पर, एनोड समझ रहे हैं सर, ये 2Fe से आपका 2+ हो गया, हम इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा लिख रहे हैं, थोड़ा बैलेंस में से ये हो गया सर, देखिए हम 2 लगा दे रहे हैं थोड़ा सा बैलेंस के लिए, शुरू में लेते हैं से, तो ये भी वो हटा देंगे था, तो लिख देंगे, समझ रहे हैं आप लोग, एट कैथोड, एट कैथोड पर क्या होता है मालिक, मालिक नहीं आप हुजूर हैं जी, क्या होता है, यह O2 यह 4H+ इलेक्ट्रॉन ले करके, हाँ जी बोलिए, ये 2H2O बनता है, देखिए सर। अब जरा देखिए सॉरी, अब इसको आप ओवरऑल जोड़ दीजिए, नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन क्या होता है, नेट रिएक्शन यहाँ हुआ 2Fe+O2 4H+ से क्या होना 2Fe2+ and 2H2, ठीक है सर, ये नेट रिएक्शन हुआ कहाँ, आपके ये एनोड और कैथोड, सो कॉल्ड एनोड और कैथोड जो काम करता है, एक्ट एज एनोड कैथोड सर्फेस पर, वहाँ काम करता है, लेकिन यहाँ जो कहता है ये जो Fe2+ साइन है, फेरस और फेरिक आप जानते हैं, Fe2+ साइन गेट चेंजेज, गेट ऑक्सीडाइज्ड, है ना, यहाँ देखिए तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है हेयर Fe2+ साइन यानी फेरस आयन गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू Fe3+ साइन, इसमें Fe3+ साइन में यानी ये Fe2O3 में चेंज हो जाता है ना, एंड इट कम आउट एज ए रस्ट, ये रस्ट की तरह बाहर आ जाएगा, ठीक है सर, तो यहाँ देखिए क्या होगा, 4Fe2+ फिर ये 4A2H2O ये ऐसे लेकर के ये देखिए 2Fe2O3 और 8H+8H+ तभी होगा सर जब यहाँ हम 4 लगाएंगे, ठीक है सर, 4 लगाएंगे तो देखिए ये आपका फेरिक ऑक्साइड बना, ठीक है सर, ये क्या है और ये अगेन दिस गेट हाइड्रेटेड, यदि ये हाइड्रेटेड हो जाए, हाइड्रेटेड फॉर्म इसका क्या होगा, Fe2O3.XH2, ठीक है सर, और दिस इज कॉल्ड रस्ट, यही आपका रस्ट है, ये क्या है सर, हाइड्रेटेड आयरन 3 इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज कॉल्ड रस्ट, तो जो ये जो बना, जो ये होल प्रोसेस होता जाएगा, यहाँ एक देखिए ऐसा क्या पहले दिस इज रस्ट, यही रस्ट है सर, ये क्या है, ये हाइड्रेटेड, ठीक है सर, चलिए कॉपी कर लीजिए, चलिए तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा नजर नहीं आ रहा था, तो यहाँ Fe2+ साइन वाटर के प्रेजेंस में नहीं सर, O2 O2 Fe2+ साइन गेट ऑक्सीडाइज इनटू फेरिक ऑक्साइड, और वही फेरिक ऑक्साइड जो है वही रस्ट है, यहाँ क्या होगा, नेट रिएक्शन जो होता है ये फेरिक ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और ऑक्सीजन से ये एक्सचेंज हो गया, और ये एगन फिर यह प्रोसेस को क्या करेगा, प्रोसीड कराएगा, ये H+ साइन फिर आपका क्या करेगा, ये प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा,
एंड नेट रिएक्शन जो होता है वो यही होता है। और आपसे कोई पूछे व्हाट इज द रस, तो आप कहिएगा हाइड्रेटेड आयरन थ्री ऑक्साइड से, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लिए होइएगा। तो देखिए यहाँ निश्चित रूप से आप एक चीज गौर कर रहे हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ आप देखिए क्या हो रहा है, ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कंसंट्रेशन एच प्लस डिक्रीज कर रहा है मतलब पीएच इंक्रीज कर रहा है। तो आयरन मेटल जो, तो देखिए क्या बोले कि यदि रस्टिंग ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एच प्लस का कंसंट्रेशन क्या होता है, घटता है। एच प्लस का कंसंट्रेशन यदि घटता है तो निश्चित रूप से पीएच क्या होता है, बढ़ता है। तो पीएच यदि बढ़ता है तो पीएच बढ़ना, पीएच कब बनेगा, एच प्लस का कंसंट्रेशन घटेगा, एच प्लस का कंसंट्रेशन घटेगा सर। तो निश्चित रूप से यहाँ देखें विच इज यूज इन ए प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ आयरन, हेल्प इन ए प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, वो प्रोसेस क्या है, डिस्टर्ब होगा। तो देखा गया है कि इफ द आयरन, यदि आयरन को आप कॉन्टेक्ट में रखें, इफ द आयरन इन कॉन्टेक्ट विथ ए सॉल्यूशन विच पी एच इज अबाउट 9 to 10, इन सच केस आयरन नॉट कोरोडेड। यदि आयरन को मोर क्या कहें अल्कलाइन सॉल्यूशन के केस में यदि आप रखिए जिसका पी एच 9 to 10 या उससे ऊपर होता है, 9-10 से ऊपर होता है या 9-10 या उससे ऊपर होता है, तो उस केस में आयरन कोरोजन कोरोड नहीं करेगा। तो वही बात है, तो क्या कहता है, आयरन मेटल इन ए कॉन्टैक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ पीएच 9-10 इट नॉट कोरोड, यानी वो आयरन क्या होगा, कोरोजन उसमें नहीं होगा। तो चलिए इसको लिखिए। तो अब हम लोग देखिए कोरोजन को रोकना है सर, कैसे रोकिएगा वो भी पढ़िए। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में हम लोग को क्या करना है, रस्टिंग ही करना है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को रोकना है सर, क्या चीज से, कोरोजन से। तो पहला है बाय बैरियर प्रोटेक्शन, बैरियर प्रोटेक्शन का क्या मतलब है सर, ये आयरन मेटल है और इसी पर वाटर को क्या हो, स्टिक करना। तो आप निश्चित रूप से इसमें कुछ ऐसा बैरियर लगा दीजिए आयरन को, ये आयरन है सर, ये आयरन है, इसमें आप क्या कर देंगे, पेंट कर लगा दीजिए, पेंटिंग कर दीजिए। आप साइकिल चलाते हैं बरसात के दिनों में, आप क्या करते हैं, जब पैडल है उसमें आप वायल रख देते हैं ताकि फ्रीली आपका हुआ जो उसमें आयरन का जो बॉन्ड होता है उसमें जंग ना लगे, रस्ट ना करें, ग्रीसिंग या ऑयलिंग ठीक कर देते हैं। तो क्या करते हैं, प्रिवेंशन का मतलब है आयरन के सरफेस को जो वाटर ड्रॉपलेट्स इस पर जाके स्टिक करेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स कंटेनिंग डिजॉल्व गैसेस, उसके बीच में एक बैरियर लगा दीजिए ताकि वो वाटर ड्रॉपलेट्स कंटेनिंग डिजॉल्व गैसेस उस पर स्टिक ना करे और वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन उस पर ना शुरू हो जाए। तो बैरियर प्रोटेक्शन यानी जो इसमें बैरियर लगा देंगे, तो कैसे लगा सकते हैं सर, बैरियर प्रोटेक्शन में बाई ऑयलिंग और ग्रीसिंग ऑफ मेटल सरफेस पर आप ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर देते हैं। फिर क्या कर देते हैं सर, बाई कोटिंग ऑफ आयरन मेटल सरफेस बाई नॉन कोरोडिंग मेटल, जैसे
आप निकल है, क्रोमियम है, एल्यूमिनियम है, इसका भी आप क्या कर दीजिए, इस पर कोट लग कर दीजिए, वो भी एक बैरियर हो गया सर। फिर स्मूथिंग, आप स्मूथ कर दीजिए, स्मूथिंग ऑफ अन इवन सरफेस, सरफेस को जो सरफेस है आयरन का जो अन इवन है उसको आप स्मूथ कर दीजिए, तो इससे भी आपका क्या होगा सर, बैरियर रहेगा, मतलब आयरन पर स्टिक नहीं करेगा। और आप क्या कर सकते हैं सर, ग्रीसिंग कर सकते हैं, वाइलिंग कर सकते हैं, पेंट कर दीजिए, है ना, सबसे अच्छा है सर पेंटिंग कर दीजिए, पेंटिंग ऑफ आयरन मेटल, आयरन मेटल सरफेस, आयरन मेटल सरफेस को क्या कर पेंट कर दीजिए, तो इससे भी आप कर सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं बचा कर, चलिए इसको मिटाएंगे। नेक्स्ट है दूसरा तरीका है, या आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन चलिए दूसरा है बाय सैक्रिफिशियल, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, यानी सैक्रिफाइस करना। इट मीन्स इसका मतलब है, इट मीन्स कवरिंग नहीं, कोटिंग ऑफ आयरन मेटल सरफेस बाय मोर एक्टिव मेटल। यानी इस सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का मतलब है, आयरन के सर पर कोई ऐसे मेटल का आप लेयर लगा दीजिए जो आयरन से मोर रिएक्टिव है, ठीक है, तो उस समय जो मोर रिएक्टिव मेटल्स क्या करता है, वो ज़्यादा रस्ट करता है, मोर उसमें ज़्यादा कोरोजन होता है, उस केस में जो इस पर सरफेस पर आप लेयर कीजिएगा मोर एक्टिव मेटल का, वो अपना सेक्रीफाइस दे देता है। यानी इस पर जो सरफेस पर जो मेटल आता है वो एनोड की तरह काम करेगा, क्योंकि मोर रिएक्टिव है, तो वो अपना सेक्रीफाइस यानी अपना जान दे करके आयरन को क्या कर लेगा, बचा लेगा, कब, जब आप मोर रिएक्टिव मेटल्स का उस पर बैरियर प्रोटेक्शन रूम क्या होता है, बचाव करता है, बैरियर मैंने रोड़ा का काम करता है, बीच में प्रोटेक्ट करता है, आयरन वाटर ड्रॉपलेट्स को तो मिलने नहीं देता, लेकिन यहाँ क्या सैक्रिफिशियल मतलब अपना सेक्रीफाइस कर देता है, कौन सेक्रीफाइस कर देता है, मोर रिएक्टिव मेटल्स सेक्रीफाइस कर देता है, वो एनोड की तरह काम करता है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और उस तरह आफ्टर सम टाइम जब जब तक यह रहेगा कोटिंग तब तक आयरन को प्रोटेक्ट करेगा, नहीं वो कोटिंग खत्म हो जाएगा तो फिर निश्चित रूप से। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग किसका यूज करते हैं, जनरली हम लोग जेनेल का यूज करते हैं, ठीक है सर, क्या करते हैं प्रोटेक्शन में, और उस समय आपको पता है गैल्वेनाइजेशन इसको करते हैं, है ना, गैल्वेनाइजेशन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बताए थे कि एक प्लेट कर दिए आयरन के ऊपर, हमने कहा कि जिंक का एक लेयर बना दिए, तो यदि हम लोग आयरन के ऊपर जिंक का लेयर करते हैं तो उसमें प्रोसेस को क्या होता है, तो ये है आपका सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, यानी मोर रिएक्टिव मेटल अपना सैक्रिफाइस दे करके आयरन को प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है सर। तो यहाँ ये जो मोर रिएक्टिव मेटल है विच प्रोटेक्ट द आयरन, रस्टिंग यदि हम कहिए कोरोजन के बदले रस्टिंग यदि माने, तो आयरन डायरेक्टली उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, मोर रिएक्टिव मेटल प्रोटेक्ट द आयरन डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली भी कर सकता है, कैसे कर सकता है सर, तो वो है यहाँ देखिए बाय इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में करता है, इसको आप देखिएगा कैथोडिक प्रोटेक्शन भी आप देखेंगे, कहता है कि मोर एक्टिव मेटल प्रोटेक्ट आयरन थ्रू वायर है ना, विच एक्ट एज एनोड, वो एनोड की तरह काम करता है, जैसे ये धरती, ये देखिए सर यहाँ हम बताते हैं, मान लीजिए कि सर ये धरती अर्थ है, इसके नीचे जनरली जो आयरन का पाइप है कैनाल के थ्रू या फिर अर्थ में डिफरेंट टाइप्स का आयरन का पाइप जाता है, तो उस समय हम लोग मोर रिएक्टिव मेटल में जनरली मैग्नीशियम का यूज करते हैं, मान लीजिए यही सर पाइप है, ये पाइप है, तो इसको हम लोग वायर से जोड़ देते हैं,
ठीक है सर, ये आयरन का पाइप, तो देखिए आयरन पाइप और ये, तो उस समय ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है सर। ये एमजी चूंकि इसको आप जोड़ दिए हुए एनोड की तरह काम, ये एनोड की तरह काम करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसके सरफेस पर वही ऑक्सीजन 4H+ ऐसे जो लेकर के ये जो होता है यहाँ, ये यहाँ ये आयरन पाइप यहाँ कैथोड की तरह काम करने लगता है, कैथोड की तरह। और इसमें अर्थ के नीचे जो मॉइस्ट सॉइल है, यहाँ जो मॉइस्ट सॉइल है, यहाँ लिख देते हैं मॉइस्ट सॉइल कंटेनिंग डिजॉल्व सबस्टांस डिजॉल्व आयन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट। The moist soil containing dissolved ion in it act as electrolyte. तो ऐसे क्या देखिए, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली एमजी मेटल यूज, जनरली एमजी मेटल यूज करते हैं, लेकिन मोर रिएक्टिव मेटल्स का यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हेयर द मोर रिएक्टिव मेटल एक्ट एज ए हेयर मोर एक्टिव मेटल एक्ट एच एनोड एंड आयरन पाइप एच कैथोड, दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैथोडिक प्रोटेक्शन। इसीलिए इसको हम लोग कैथोडिक प्रोटेक्शन, यानी हम लोग क्या किए, आयरन पाइप को क्या कर दिए, कैथोड की तरह बना दिए, कैथोड की तरह एक्ट करा दिए और उसको बचा दिए। एनोड की तरह रहता तो बेचारा क्या होता, अपना सब कुछ गला लेता है, बर्बाद कर लेता है। लेकिन यहाँ क्या किया, मैग्नीशियम धीरे 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 डिजॉल्व हो जाएगा, जानते ही है सर, लेकिन ये अपना क्या किया सर, इसको बचा दिया, ठीक है। तो दिस इज योर प्रिवेंशन। और आजकल तो नॉन कोरोजन क्या कहते हैं सर, सॉल्यूशन आता है, है ना। तो खैर चलिए सर, तो दिस इज द लास्ट द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका फिनिश हुआ। तो हम लोग इसका NCERT का एक जो इंटेक्स और एक्सरसाइज का है वो एक वीडियो बनाएंगे, NEET JEE में जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है उसका एक वीडियो बनाएंगे, एंड देन इस चैप्टर को क्या करेंगे, इन बल्कि हो गया थियोरेटिकल तो हो गया। तो निश्चित रूप से हम सारे नहीं, जैसे इसके प्रीवियस लेक्चर का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देते ही हैं, माशा करेंगे कि और सब भी लिंक को देखिए, खोलिए, पढ़िए, पढ़ाइए, मतलब अपने, यदि देखिए आपको कंसेप्ट क्लियर है तो निश्चित से अपने कलीग को भी कहीं कि लाओ भाई, हमको इतना कंसेप्ट है कि हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ाने का मतलब प्रोफेशनल पढ़ाना नहीं है, यदि ज्ञान को जितना बांटिएगा उतना बढ़ता है सर। यदि कोई टॉपिक आपको समझ में आ रहा है और आपके कलीग को नहीं आ रहा तो आप निश्चित रूप से उसको बताइए, है ना, आप देखिए आपका ज्ञान और बढ़ेगा। तो चलिए सर, लेके आएंगे क्या चीज, नेक्स्ट वीडियो हम लोग NCERT का एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, तब तक थ्योरी आप करेंगे, न्यूमेरिकल हम करेंगे, आपको करना पड़ेगा। मिलते हैं, बाय।